बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के 100 मुख्तसर पैगाम। गुफ्तगू के दौरान बदतमीजी ना किया करो, गुस्से को काबू में रखो, दूसरों के साथ भलाई किया करो, तकब्बुर ना करो, दूसरों की गलतियां माफ कर दिया करो, लोगों के साथ आहिस्ता बोला करो, अपनी आवाज नीची रखा करो, दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो, वालिदैन की खिदमत किया करो, मुंह से वालिदैन की तौहीन का एक लफ्ज भी ना निकालो, वालिदैन की इजाजत के बगैर उनके कमरे में दाखिल ना हुआ करो, हिसाब लिख लिया करो, किसी की अंधाधुंध तकलीद ना करो, अगर मकरूज मुश्किल वक़्त से गुजर रहा हो तो उसे अदायगी के लिए मजीद वक़्त दे दिया करो, सूद ना खाओ, रिश्वत ना लो, वादा ना तोड़ो, दूसरों पर एतमाद किया करो, सच में झूठ ना मिलाया करो, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम किया करो, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो, मरने वालों की दौलत खानदान के तमाम अरकान में तकसीम किया करो, ख्वातीन भी विरासत में हिस्सादार हैं, यतीमों की जायदाद पर कब्जा ना करो, यतीमों की हिफाजत करो, दूसरों का माल बिला जरूरत खर्च ना करो, लोगों के दरमियान सुलह कराओ, बदगुमानी से बचो, गीबत ना करो, जसूसी ना करो, खैरात किया करो, गुरबा को खाना खिलाया करो, जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद किया करो, फजूल खर्ची ना करो, खैरात करके जतलाया ना करो, मेहमानों की इज्जत किया करो, नेकी पहले खुद करो और फिर दूसरों को तलकीन करो, जमीन पर बुराई ना फैलाया करो, लोगों को मस्जिदों में दाखिले से ना रोको, सिर्फ उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ें, जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो, जंग के दौरान पीठ ना दिखाओ, मजहब में कोई सख्ती नहीं, तमाम अंबिया पर ईमान लाओ, हैज के दिनों में मुबाशरत ना करो, बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ, जिनसी बदकारी से बचो, हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखिब करो, किसी पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ ना डालो, नफाक से बचो, कायनात की तखलीक और अजायब के बारे में गहराई से गौर करो, औरतें और मर्द अपने आमाल का बराबर हिस्सा पाएंगे, मुंतखिब खूनी रिश्तों में शादी ना करो, मर्द को खानदान का सरबराह होना चाहिए, बुखील ना बनो, हसद ना करो, एक दूसरे को कत्ल ना करो, फरेब की वकालत ना करो, गुनाह और शिद्दत में दूसरों के साथ तावन ना करो, नेकी में एक दूसरे की मदद करो, अक्सरियत सच की कसौटी नहीं होती, सही रास्ते पर रहो, जुराइम की सजा देकर मसाल कायम करो, गुनाह और नाइंसाफी के खिलाफ जदोजहद करते रहो, मुर्दा जानवर का खून और सुअर का गोश्त हराम है, शराब और दूसरी मंशियात से परहेज करो, जुआ ना खेलो, हेरा फेरी ना करो, चुगली ना खाओ, खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो, नमाज के वक़्त अच्छे कपड़े पहनो, आपसे जो लोग मदद और तहफ्फुज़ मांगे उनकी हिफाजत करो, उन्हें मदद दो, तहारत कायम रखो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, अल्लाह नादानिस्तगी में की जाने वाली गलतियां माफ कर देता है, लोगों को दानाई और अच्छी हदायत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ,
कोई शख्स किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। जिसके बारे में इलम ना हो उसका पीछा ना करो। पोशीदा चीजों से दूर रहा करो। इजाजत के बगैर दूसरों के घरों में दाखिल ना हो। अल्लाह अपनी जात पर यकीन रखने वालों की हिफाजत करता है। जमीन पर आजजी के साथ चलो। दुनिया से अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके जाओ। अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। हम जिंस परस्ती में ना पड़ो। सही यानी सच का साथ दो। गलत से परहेज करो। जमीन पर डटाई से ना चलो। औरतें अपनी जीनत की नुमाइश ना करें। अल्लाह शिरक के सिवा तमाम गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बुराई को अच्छाई से ख़त्म करो। फैसले मुशावरत के साथ किया करो। तुम में वो ज़्यादा मुअज्ज़ज़ है जो ज़्यादा परहेजगार है। मज़हब में रहबानियत नहीं। अल्लाह इल्म वालों को मुकद्दम रखता है। गैर मुसलमों के साथ मेहरबानी और इखलाक के साथ पेश आओ। खुद को लालच से बचाओ। अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह माफ़ करने और रहम करने वाला है। जो शख्स दस्ते सवाल दराज करे उसे इनकार ना करो। दोस्तों मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।